Now come small nuclear RNA, that is a S an RNA donated by, this is S an RNA and that involved in a mRNA processing. Now come small nuclear RNA, that is donated by S an RNA and that play role in RNA molecule processing. Some are small cytoplasmic RNA, scRNA, that involve in the selection of protein for the export. And other than the transfer messenger RNA, that is tmRNA, that mostly present in the bacteria and at the short peptides stack to the protein to facilitate the degradation of incorrect. ये जो होता है सबसे कह दीजिए यूनिक इसका फंक्शन है कि जो भी इनकरेक्ट जो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है तो वापस से उसको डिग्रेड करके डिग्रेड करना ही इसका फंक्शन है. मैं इस टाइम को इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ कि मे बी दैट इज आपका जो क्वेश्चन हो सकता है, फर्दर जो एग्जामिनेशन हो सकते हैं उसमें वन मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं और उस टाइप्स के जो एक्स्ट्रा जो फंक्शन है वो क्या है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन. ऐसा नहीं है कि आपको एज इट इज क्वेश्चन आ जाए तो सो यू हैव टू फोकस दिस कि हर एक टाइप्स के आरएनए का क्या फंक्शन है, कहाँ कब वर्क होता है, तो प्लीज फोकस दैट. नाउ कम व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस. अभी तक हम लोगों ने आरएनए पढ़ा, डीएनए पढ़ा, तो कुछ डिफरेंसेस हैं. तभी तो डीएनए हर किसी में जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है जबकि आरएनए कुछ ही वायरसेस में है. सो द आरएनए इज अ सिंगल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट इन सम वायरसेस, बट डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड एक्सेप्ट इन अ फ्यू वायरसेस. दोनों ही केसेस में वायरसेस है. आरएनए हैव राइबोसुगर जबकि डीएनए हैव डीऑक्सीराइबोसुगर. बोथ में फोर न्यूक्लियोटाइड्स, फोर नाइट्रोजन बेसिस होते हैं. बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि थायमिन दैट प्लेस रिप्लेस बाय यूरासिल इन अ केस ऑफ आरएनए. एंड इसमें जो होता है तब जब थायमिन यहाँ नहीं रहा तो फिर ये कैसे पेयर करेगा, तो एडेनिन इज पेयर विद द यूरासिल जबकि उसमें एडेनिन पेयर विद द थायमिन. प्यूरिन इज नॉट इक्वल टू द पायरिमिडिन पर प्यूरिन इज इक्वल टू द पायरिमिडिन दैट चारगा फ्रूट्स के अकॉर्डिंग. तो रीजन हैविंग कंप्लीमेंट्री nucleotides pair and form hairpin look like structure and helical structure. आप जो टी का टी आरएनए के सेफ होता है उसे आप कंसीडर करिए, देखिए क्या डिफरेंस है. कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द लेंथ ऑफ डीएनए. आरएनए जैसे कि मैंने बनाया, आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस एंड डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इवन बैक्टीरिया. लेंथ ऑफ आरएनए इज वेरी शॉर्ट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली फ्यू थाउजेंड न्यूक्लियोटाइड्स जबकि लेंथ ऑफ डीएनए इज क्वाइट लार्ज कंसिस्टिंग मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. बेसिकली इसका लेंथ बहुत बड़ा होता है क्योंकि ये मिलियन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कंसीडर करता है क्योंकि इसमें जीन्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं. सो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप ऑफ आरएनए, एमआरएनए, आरएनए और डीआरएनए. जो हम बेसिक स्ट्रक्चर बेसिक जो हम टाइप्स पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं. तीन टाइप का आरएनए होता है, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोम. लेकिन मैंने डिफरेंट टाइप्स को ऑफ आरएनए बताया है, वो आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्योंकि वो मेनली डिफरेंट क्वेश्चन और एग्जामिनेशन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं. एंड डीएनए आकर वही इन वन फॉर्म इन एन ऑर्गेनिज्म. वो जो कन्फर्मेशनल मैंने डिफाइन किया था ए जेड ए बी और जेड, वो टर्निंग हेलिस के ट्विस्टिंग पे मैंने डिफाइन किया था. सो डोंट बी गो फॉर द टाइप्स ऑफ डीएनए. mRNA occur in nucleolus, RNA and tRNA occur in cytoplasm. इसको भी ध्यान दीजिएगा, nucleolus में सिर्फ mRNA होता है और cytoplasm में RNA होता है, tRNA होता है. एंड DNA कहाँ होता है आपको पता ही है, DNA is occur in nucleus, nucleolus and extra chromosomal DNA such as mitochondria, chloroplast. This is a basic difference. ये basic difference है, so don't we go forget, बस इसको focus करके समझ लीजिएगा. नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर, आप देख लीजिए, दैट इज योर डीएनए, दैट इज अ बेसिकली हेलिस स्ट्रक्चर एंड डबल स्ट्रैंडेड और ये सिंगल स्ट्रैंडेड है. नाउ कम अगर हम किसी को कैटेगराइज कर रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए डीएनए और आरएनए, तो हम कुछ पास्ट में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए थे जिनके बेस पे ये कैटेगराइज किया गया कि ये जो क्वालिटी है, ये जो फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है,
वो ही आपको मटेरियल जेनेटिक मटेरियल बनाता है, प्रोवाइड करता है। तो रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन क्या होता है हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो रेप्लिकेशन इज द मेक इट कॉपी, मतलब पेरेंट्स से डॉटर डीएनए बनाना, दैट इज रेप्लिकेशन। स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड, जैसे जीन सीक्वेंस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम जीन कह रहे हैं वो ही एक्सप्रेशन करता है ट्रेड के फॉर्म में, मतलब प्रोटीन के फॉर्म में हमारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन करता है, तो वो जो स्टोरेज हो रहा है दैट इज स्टोरेज होना चाहिए। दूसरा जो हमारे जो कंट्रोल कर रहा है, जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल करने की क्वालिटी होना चाहिए, अगर म्यूटेशन हो रहा है तो उसको भी कंट्रोल करे। सबसे बड़ी बात इसे स्टेबल होना चाहिए, मतलब कोई भी टेम्परेचर या कोई फैक्टर हो तो अनस्टेबल या डिग्रेडेड ना हो जाए। तो ये चार पांच फीचर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जेनेटिक मटेरियल को एक कैपेबल जेनेटिक मटेरियल स्टेबलाइज बनाने में। नाउ डीएनए और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं, ये हम तीन एक्सपेरिमेंट जो पास्ट में हुआ था 1928 में, फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने जो वायलेंट और नॉन वायलेंट दो स्ट्रेन लिए थे, एक था स्ट्रेप्टोकोकस जो कि वायलेंट था, मतलब कि टॉक्सिक था, उसको उन्होंने एस से डिनोट किया था, और दूसरा जो था रफ था, नॉन वायलेंट था स्ट्रेन निमोनिया, दो स्ट्रेन उन्होंने बनाया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, एक स्मूथ बनाया था और एक आर बनाया था, मतलब रफ बनाया था, एक टॉक्सिक बनाया था और एक नॉन टॉक्सिक बनाया था। इसके बारे में हम डिटेल बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। 1944 में ऑस्वाल्ड वेरी कोलिन मैकलियोड और मैकलिन मैकॉटी ने भी बताया था कि डीएनए इज थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, ये भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। 1952 में अल्फ्रेड हर्सी एंड मार्थ चेस ने भी प्रूफ किया था कि डीएनए इज अ वॉली जेनेटिक मटेरियल। नाउ कम ग्रिफिथ, ग्रिफिथ ने क्या किया था, उन्होंने दो स्ट्रेन तैयार किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, एस और आर, एस जो था वो वायलेंट था टॉक्सिन था, और आर जो था रफ दैट इज ए नॉन वायलेंट। तो उन्होंने पहले एस को लिया और इंजेक्ट कर दिया रैट में, तो टॉक्सिक्स होने की वजह से रैट रेड हो गया। फिर उन्होंने रफ जो था नॉन वायलेंट उसे लिया, फिर उसको उन्होंने इंजेक्ट किया रैट में, तो रैट लाइफ रहा। फिर उन्होंने देखा कि स्ट्रेप्टो जो एस है वो बहुत ही टॉक्सिन है वो रैट कर देना, तो उन्होंने ये काम किया कि स्ट्रेप्टो जो एस स्मूथ है उसको उन्होंने हीट किल कर दिया, फिर उनको इंजेक्ट किया रैट में, तो वो रैट नहीं हुआ लाइफ रहा। तब सेकेंड थर्ड उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एस और आर को जो हीट किल्ड एस स्ट्रेंथ था उसको लिया स्मूथ को और रफ के साथ मिक्स कर फिर उन्होंने इंजेक्ट किया, तब उन्होंने देखा कि रैट फिर से किल्ड हो जाए, मतलब डेड हो जाए। दैट मीन्स कि कुछ तो ऐसा मटेरियल है जो कि एस के किल्ड हीट किल्ड होने के बावजूद भी रफ वाले स्ट्रेंथ में ट्रांसफर हो जा रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैंने ये जो एक्सपेरिमेंट कहलाया ट्रांसफॉर्मेशन नल एक्सपेरिमेंट कहलाया, और उन्होंने इसे साबित किया कि दिस इज अ वनली डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। नाउ कम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया मैककार्ट्री ने, उन्होंने कहा, उन्होंने फिर से उसी स्ट्रेंथ को लिया एस स्ट्रेंथ को जो वायलिन था, और उन्होंने क्या डिफरेंट सैंपल तैयार किया, और डिफरेंट सैंपल में उन्होंने किसी में लाइपेज डाला, किसी में आरएनए डाला, किसी में प्रोटीएज डाला, किसी में डीएनएज डाला, और डिफरेंट अदर्स मॉलिक्यूल्स भी डाले। तो सब ने जो भी, जैसे लाइपेज है तो लिपिड को किल कर दिया, आरएनएज है तो आरएनए को किल कर दिया, प्रोटीएज है तो प्रोटीन को किल कर दिया, और डीएनएज है तो डीएनएज को किल कर दिया। तो फिर उन्होंने सारे सैंपल्स को इंजेक्ट किया रैट में और माउस में, तो उन्होंने देखा कि जो डीएनएज वाला सैंपल था जिसमें डीएनए डाला था सिर्फ वही लाइव हुआ, और बाकी सारे सैंपल में रैट जो है रैट डेड हो गए, डाइज हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि सभी में डीएनए लाइव था, डीएनए डेड नहीं हुआ, डिग्रेड नहीं हुआ था। तो ये इनसे इस एक्सपेरिमेंट से मिला कि सब में जो डीएनए स्ट्रैंड है वो टॉक्सिन है, क्योंकि वो एस स्ट्रैंड से है।